जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपडेट करा लिया 140 एमबी का था, और इस अपडेट करने से पहले आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, और जो उसमें प्रॉब्लम्स है ना, जो स्क्रीन कर्व हो रही है, उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिक्स करने तरीके से वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं। सब्सक्राइब करना चैनल एंड स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्क्रीन कर्व है, अगर अपडेट करा लेते हैं तो उसके बाद में स्क्रीन जैसे ऊपर कर्व है, सेम टू सेम वैसे ही नीचे भी कर्व हो जाएगी। बट यार एक प्रॉब्लम है इसकी वजह से, ये अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और यहाँ पे अपडेट में एक फीचर और देखने को मिलता है, डिजिटल वेलबींग का फीचर है। इस पर अगर आप विंड डाउन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रे सेल का फीचर मिलेगा। आगे मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में। एंड जैसे हम लोग सिस्टम पर जाते हैं, एडवांस पर जाते हैं, और जब अबाउट फोन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जब आपको आएगा एंड्रॉयड वर्जन। एंड अब यहाँ देखेंगे कि 5 जून 2019 का अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यूसूस की साइट से ही कराएं, कोई कंपलसरी नहीं। अगर आप कराएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कंपनी आपको खुद ही अपडेट दे रही है। सो वाई यू हैव टू वरी अबाउट टू अपडेट। मुझे खुद ही अपडेट मिला, मैं इसको मना करना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मेरा वीडियो ना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो बनाई क्योंकि कुछ यूट्यूबर ना करने के मतलब आप साइट से अपडेट करा ली, जुलाई का अपडेट आ गया, ये आ गया, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं आया यार, सब वही सेम चल रहा है। आपको कोई वरी नहीं होना इस फ़ोन के बारे में, बस आपको जब जो कंपनी अपडेट दे रही है वैसे ही अपडेट कराना, और आपको किसी साइट से, इसूस की साइट हो या कोई भी साइट हो, वहाँ से अपडेट नहीं कराना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सब देखेंगे स्क्रीन के अंदर जाके, तो यहाँ पे कोई नया तो फीचर है नहीं, सेम सब कुछ, वही डार्क थीम और लाइट थीम सब कुछ सेम एज इट इज़ वैसे ही दे रहे हैं। और भी जैसे देखेंगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डिजिटल वेलबींग यहाँ पे आप पे काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको यूज़ करिए। विंड डाउन फीचर मुझे काफ़ी इसका अच्छा लगा, कि मैं जैसे ही टाइम होगा वैसे ही यहाँ पे मतलब ग्रे स्केल यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप सेट कर देंगे टाइम, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फोन ग्रे हो जाएगा, आंखों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं ना, कि इसका जो स्मूथ हो गया ना, काफ़ी जो अप डाउन करते हो टच काफ़ी स्मूथ हो गया है। एंड एक फीचर और है, अगर हम लोग पावर बटन को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है लॉक डाउन का। जैसे आप देखेंगे लॉक डाउन कर देंगे तो डायरेक्टली अगर आपने लॉक सेट किया है तो फिंगरप्रिंट नहीं, आपको तुरंत ही पासवर्ड डालना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। और आप अगर देखेंगे कि कैमरे के अंदर समझते हैं कोई नया फीचर आया हो, तो यार कोई फीचर नहीं है, एज इट इज सेम, वही AI और जो भी था सारे फीचर है वही है, फ्रंट में भी वही है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। एंड आगे अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे ग्रीड लाइन जो ऑलरेडी पहले से ही था, और काफ़ी कुछ मुझे चेंजमेंट तो नहीं लगा यार, पता नहीं यार, बस केवल डिजिटल वेलबींग का ही फीचर है। बैटरी थोड़ी अच्छी चल रही है ये मुझे देखने में आया है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, और साउंड भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है तो मुझे लगा है। और बैक चलते चले, ठीक है, फोटो क्लिक करने के बाद देख लेते हैं, बैक जाएंगे यहाँ देखेंगे आप कि अगर हम लोग सेटिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे और भी चेक करते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर, तो वहाँ देखेंगे आपको कोई नया फीचर नहीं मिलेगा, एज इट इज सेम सब कुछ वही है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर दी गई UI में, और कुछ बहुत चेंजमेंट कर दिए गए, और सब सेम एज इट इज़ वैसा ही दिया गया यार, कुछ भी नया नहीं है, वही वाइब्रेशन, वही मोनो ऑडियो, और सब कुछ सेम एज इट इज़ वैसा ही है। एंड अगर हम लोग और चेक करें और देखें, तो यार साउंड के अंदर भी देखेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ वैसा कुछ सब कुछ मिलता है, एंड और कुछ खास नहीं है। और इस पर स्क्रीन के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ वैसे ही, ब्लिंक लाइट ये वो। अब हम आपको बताते हैं कि जो आप देख रहे हो ना, इसको फिक्स करने का एक सिंगल तरीका, कि आप कुछ समय के लिए फिक्स किस तरह कर सकते हो। पावर ऑफ कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है, और बटन होल्ड करिए, एंड देन यू हैव टू ऑफ योर स्मार्टफोन, ठीक है, ऑफ चलिए हो जाए, ठीक है, आराम से, हाँ कर रहे हैं, ऑफ हो गया, ठीक है। पावर ऑफ करने के बाद में क्या करना होगा ना, आपको वॉल्यूम बट अप मतलब डाउन बटन और पावर बटन को होल्ड कर रखना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। जैसे स्क्रीन ओपन हो जाती है, आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो गई है, नाउ यू हैव टू लीव द पावर बटन एंड कंटिन्यूसली होल्ड द डाउन बटन। उसके बाद आप पहुँचेंगे यहाँ पे, और वाइट कैचअप पार्टीशन का करके आप इस प्रॉब्लम को कुछ देर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। इससे अच्छा यू हैव टू फैक्ट्री रीसेट योर स्मार्टफोन एंड योर ऑल द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। और अगर यार अब इसमें और कुछ बात करते हैं बैटरी के बारे में यार, तो थोड़ा सा बैटरी में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। सो यार मैंने इसका रिकॉर्डिंग तो नहीं करी, बट जो मुझे फील हुआ है कि यार बैटरी रियली काफ़ी अच्छी चल रही, पहले से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एंड यार फिंगरप्रिंट सेंसर में मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं, तो हो सकता है ये फॉर्मेट करने के बाद में थोड़ी सी, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख जाए, बट इस समय तो मुझे यार कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। और अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट साइट से मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा,
योर फोन गेट अ न्यू प्रॉब्लम। बचने के लिए अगर कंपनी आपको अपडेट देती है तो कर लीजिए, वरना मत करिए, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। ओके, गुड बाय।